आमतौर पर हम देखते हैं कि विपक्ष सड़क पर उतर के प्रदर्शन करता है अपनी बात मनवाने के लिए, लेकिन दिल्ली में आज पूरी की पूरी केजरीवाल सरकार को सड़क पर उतरना पड़ा है। इस वक्त मैं सिविल लाइंस में हूं। यहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी सरकार लेकर और सभी विधायकों को लेकर विधानसभा से जो दिल्ली के एलजी हैं उनके घर तक मार्च कर रहे हैं। सर, क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि आज आपको सड़क पर उतरना पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक आदेश किया था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जरा सा दिखा दो। हाँ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पैरा 284 में लिखा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन गिवन विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के एलजी के पास स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेंगे एलजी। हाँ। तो उन्होंने दो बार लिखा को इसमें। दूसरा, पैरा नंबर 275 में इसी आदेश में लिखा, देर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक decisions। अब जब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अभी हम अपने बच्चों के टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को हम फिनलैंड भेजना चाहते हैं अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए, एलजी साहब ने फाइल पे मना कर दिया। एलजी साहब कौन होते हैं फाइल पे मना करने वाले? एलजी साहब को क्या तकलीफ है? दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली के टैक्स का पैसा है, लोग अपने पैसे से अपने बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स भेजना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए। एलजी साहब कौन होते हैं उसे रोकने वाले? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई पावर नहीं है रोकने की। तो हम, मुझे तो बहुत दुख, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि एलजी साहब इस तरह से रोक रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं देश में करा लो, फिनलैंड भेजने की क्या जरूरत है, हम बेस्ट ट्रेनिंग कराएंगे पूरी दुनिया में उनको। पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने फाइल नहीं रोकी है, केवल एडवाइस किया है। एडवाइस किया उसमें लिख दिया है, आपने पढ़ा होगा, मेरे पास अभी वो कॉपी नहीं है, कि इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कराई जाए। हाँ, यानी कि खर्चा टीचर्स पे हो रहा है, उसका क्या फायदा है? हाँ, तो इसकी क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगी भाई साहब? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ। क्वालिटेटिव चीज है ये तो। इनके जब इनके बच्चे बीजेपी वालों वाले अपने नेता बड़े बड़े अपने बच्चों को विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हाँ। उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई है? जब इनके नेता बड़े बड़े, अभी कई सारे नेता इनके स्विट्जरलैंड गए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। हाँ। उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई है? जब हमारे टीचर जाना चाहते हैं विदेश ट्रेनिंग के लिए, कहते हैं उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा लो। एलजी के पास, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि एलजी के पास ये पावर ही नहीं है। हाँ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सरकार ने सारी करा ली। हाँ। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। हाँ। दिल्ली के लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने मेरे को चुन के भेजा है। हाँ। मेरे को लगता है हमारे बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ। अच्छे टीचर देने की जरूरत है। मैंने करा ली सारी एनालिसिस। हाँ। एलजी साहब कहते हैं उनको विदेश मत भेजो, उनको अपने देश में रहने दो। हाँ। अपने देश में ट्रेनिंग करा लो। क्यों? हम तो अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये देखिए पूरी कैबिनेट के साथ में, पूरे सभी विधायकों के साथ में एलजी हाउस मार्च कर रहे हैं, और मांग यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ऑर्डर दिया था उसको दिल्ली के उपराज्यपाल माने, और चुनी हुई सरकार को जो जनता के जनादेश से चुनकर आई है उसको काम करने दें। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।